soul attack kaise?
लग रही हो। ओ छुटकू के बच्चे, क्या दांत फाड़-फाड़ कर हंस रहा है? चुप हो जा वरना मारूंगी तुझे। तू यहीं ठहर, मैं अभी नदी में मुंह धोकर आती हूँ। तो गोरी की आवाज है। गोरी, क्या हुआ बेटी? पिताजी, पिताजी लाए। जिंदा है पर बेचारा घायल है। अच्छा तू ऐसा कर, मैं इसे उठाकर घर ले जा रहा हूँ, तू जल्दी से जा वैद्य जी को बुला के ले आ। ठीक है पिताजी। टांग और सर में बहुत चोट लगी है, खून भी बहुत बह गया है, मैंने पट्टी बांध दी है। खतरे की तो कोई बात नहीं है ना वैद्य जी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने इसे अपनी दवाई दे दी है, 10-12 घंटे में इसे होश आ जाना चाहिए। भगवान करे इस वतन के सिपाही को जल्दी होश आ जाए। इसे 4-4 घंटे बाद दवा पिलानी है और तलवों की मालिश करनी है, मैं कल फिर आऊँगा। अच्छा वैद्य जी, जयराम जी की। जयराम जी की भैया। पिताजी आप भी खाना खाकर आराम कर लीजिए, इनकी देखभाल मैं कर लूंगी। ठीक है बेटा, दवाई किस तरह पिलानी है तूने अच्छी तरह समझ लिया है ना? आप चिंता मत कीजिए पिताजी।
कमाल है, इन्हें भी होश ही नहीं आया। वैद्य जी, आप कुछ भी करके इस बेचारे की जान बचा लीजिए। ये दूसरी दवा है, ये इसे पिला दो, अगर शाम तक इसे होश नहीं आया तो फिर इसका बचना नामुमकिन। पता नहीं बेचारा कौन है, कहां से बहता हुआ आया है। गोरी बेटी, अब मैं जा रहा हूँ, इसे चार चार घंटे बाद दवा पिलाते रहना। अच्छा। बेटी मैं जरा मंदिर जा रहा हूँ, भगवान से इसके अच्छे होने की दुआ करो, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। जी पिताजी। दीदी आज खेलने नहीं चलोगे क्या? नहीं छोटकू, आज हम खेलने नहीं जाएंगे। अगर इस बेचारे फौजी को होश नहीं आया तो ये मर जाएगा और फिर मुझे पाप लगेगा छोटकू। दीदी मम्मी कहती हैं कि भगवान जी से प्रार्थना करने पे हर चीज मिल जाती है। अच्छा चलो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। भगवान जी तू इस बेचारे फौजी की जान मत छीनना, इसे जल्दी से होश में ला दो प्रभु। ये फौजी है, इसकी माँ इसके लिए रोती होगी, इसे जल्दी से अच्छा कर दो भगवान जी। बवर में ढूंढ
से पार लगती है, भंवर में डूबती नैया तुझी से पार लगती है। नहीं बनती कहीं बिगड़ी, नहीं बनती कहीं बिगड़ी, तुम्हारे द्वार बनती है। दया करना दया सागर हमारी तुमसे विनती है, दया करना दया सागर हमारी तुमसे विनती है। प्रभु हर सांस में तेरी ये जीवन ज्योत जलती है, प्रभु हर सांस में तेरी ये जीवन ज्योत जलती है। नहीं बनती कहीं बिगड़ी, नहीं बनती कहीं बिगड़ी, तुम्हारे द्वार बनती है। दया कर दया सागर हमारी तुमसे विनती है, दया करना दया सागर हमारी तुमसे विनती है, दया करना दया सागर हमारी तुमसे विनती है, दया करना दया सागर हमारी तुमसे। नहीं बनती कहीं बिगड़ी, नहीं बनती कहीं बिगड़ी, तुम्हारे द्वार बनती है। दया करना दया सागर हमारी तुमसे विनती है, दया करना दया सागर हमारी तुमसे विनती है, दया करना दया सागर हमारी तुमसे विनती है। दीदी इन्हें देखो, इन्हें होश आ गया, इन्होंने आंखें खोल ली हैं। मैं कहाँ हूँ? अरे अरे उठो मत, तुम्हारी टांगें बहुत चोट है, उठने से तुम्हें तकलीफ होगी। मैं यहाँ कैसे आया? तुम तो नदी में बेहोश पड़े थे, तुम्हें देखकर मैं तो डर ही गई थी, मेरी तो चीख निकल गई। फिर मेरे पिताजी तुम्हें कंधे पे डालकर यहाँ लाए थे। पता है वैद्य जी क्या कहते थे? कहते थे कि अगर आज शाम तक तुम्हें होश नहीं आया तो तुम मर जाओगे। झूठे कहीं के। अरे छुटकू तू जल्दी से जा और जाकर के पिताजी को बुला कर ले आ। अच्छा दीदी। लो थोड़ा सा दूध पी लो, ताकत आ जाएगी। तुम्हें पता है रामू की बकरी ने दो काले रंग के मेमने दिए हैं, एक मेमना मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम अपने साथ ले जाना। और हाँ, हमारे खेत पर पेड़ में तोते ने अंडे रखे हैं, जब उसके बच्चे निकल जाएंगे ना तो वो भी अपने साथ ले जाना। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे हाथ में काट लेंगे फिर तुम रोओगे। लेकिन तोते में कैसे लगोगे? भगवान का लाख लाख शुक्र बेटा, तुम कौन हो और नदी में कैसे गए? जी मैं एक फौजी हूँ, मेरा नाम आकाश है, मेरी ड्यूटी कारगिल फ्रंट पर थी। मैं अपनी चौकी से फौजी हेलीकॉप्टर द्वारा दिल्ली जा रहा था, तभी अचानक हेलीकॉप्टर में खराबी आई और पायलट दिशा भटक गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर क्रैश होता,
हम दोनों पैराशूट लेकर कूद पड़े और एक नदी में जा गिरे। गिरने से पहले मैं एक चट्टान से टकराया और बेहोश हो गया, और अब होश आया तो अपने आप को यहाँ पाया। बेटा ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक आराम से इसी घर में रहो। हमारे घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ लेकिन चूहे तुम्हें जरूर परेशान करेंगी। पता है हमारे घर में बहुत मोटी मोटी चूहियाँ हैं, लेकिन तुम्हें चूहे से डर तो नहीं लगता ना? मैं भी नहीं डरती, और फिर वैसे भी डरना क्यों, चूहिया तो गणेश जी की सवारी होती है। अरे बस बस, अब बकर बकरी करती रहेगी, ऐसे वैद्य जी की दवाई भी पिलाएगी। अभी लाती हूँ पिताजी। बेटा ये बिन माँ की बच्ची है, थोड़ी शरारती है, जवान हो गई है मगर अभी तक इसका बचपना नहीं गया, इसकी किसी बात का पूरा नहीं। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। चलो चलो अब नाक बीच कर एक सांस में ये दवाई पी जाओ। कि वैद्य काका भी ना बड़ी कड़वी कड़वी दवाई बनाते हैं, इन्होंने हमारे गाँव के सारे नीम खत्म कर डाले हैं। बोलती बहुत है पगली कहीं की। हरी सिंह अरे ठाकुर साहब, राम राम। राम 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 काका जी। राम राम। हाँ बेटी कैसी हो? ठीक हूँ मैं। अरे भाई हम उस फौजी को देखने आए हैं, अब कैसी तबीयत है उसकी? अब तो होश में है डॉक्टर। आइए आप उससे खुद ही मिल लीजिए। चलिए। बेटा तुम देश के सिपाही हो और हमारे गांव में हो, यहाँ किसी भी बात की चिंता मत करना, तुम्हारी सेवा करना हम गांववासियों का फर्ज है। ठाकुर साहब अब तो सुमन बिटिया भी जवान हो गई है, इसके हाथ पीले करने की तैयारी कीजिए। हाँ भाई हरी सिंह, यह फर्ज तो हमें अदा करना ही पड़ेगा, हमें भी और तुम्हें भी। वो नालायक शिवम कई दिनों से दिखाई नहीं दिया, कहाँ है आजकल वो? उसकी क्या पूछते हो, कर रहा होगा कहीं निशाने की प्रैक्टिस। लो भाई संभाल लो अल्टू की रामकली को। मेरी कट्टो बच गई। ले बेटे पट्टे अब के बाद तो आउट हो ही जाएगा। चल मुरली गुल्ली मार। इनका बिल्कुल ताक का मारूंगा, ये संभाल ले, ये संभाल। मेरी कट्टो बच गई, अब पछाड़ूंगा तुम्हें। लो भाई संभाल लो अल्टू का टोरा। किसने मारी मेरी गुल्ली? अरे मारता कौन, अपने आप लगी होगी। गुल्ली में अपने आप उछलती होगी कहीं? मेरी डराती, मेरी बात क्यों नहीं सुनती? धूप में भैंस चराते चराते बेचारी का रंग काला पड़ गया। अरे कोई बात नहीं यार, अपना अल्टू राम इसको गोरी होने की फौरन लूली क्रीम ला देगा। अबे तू चुप रह। अच्छा तो तू मुझे क्रीम ला कर देवेगा? अबे पटगी दिखे आज तो। और क्या क्या लावेगा मेरे लिए? मेरी चमक छल्लो, एक बार मुझसे बोल के तो देख। अल्टू तू मुझे एक सुंदर सी प्यारी सी राखी भी ला देगा ना? राखी? राखी का क्या करेगी तू? तेरे हाथ पे बांधूंगी भाई। भैया क्या आपके अंदर बहुत ताकत है? हाँ चुपको, कसरत करने से बदन में ताकत आ ही जाती है। क्या मैं भी कसरत करके तगड़ा हो जाऊंगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। छुटको तेरा वजन अचानक कैसे बढ़ गया? मैंने अभी अभी दूध जो पिया है। अरे गोरी तुम
अब नीचे उतरो, मुझे बोझ लग रहा है। बोझ लग रहा है? दूध में बादाम घोट कर पिया करो, तभी तो जान आएगी। चलो लुका छिपी खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं, मुझे नहीं खेलने लुका छिपी। चलो ना गोरी, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं खेलना है। नहीं खेलोगे तो मैं तुमसे कुट्टी कर दूंगी, तुम्हें अपनी गुड़िया की शादी में भी नहीं बुलाऊंगी। चलो ना भैया खेलते हैं। रहने दो छुटकू, क्यों खुशामद करता है इनकी, ये तो हमसे प्यार ही नहीं करते। तुम करती हो मुझसे प्यार? हाँ, मैं तो तुमसे खूब प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ मैं? इतना? गोभियाँ बड़ी हो जाएंगी तो हम किन्हें खिलाएंगे? किसको खिलाएंगे? फौजी बाबू को, उन्हें बड़ी बड़ी गोभियाँ बहुत पसंद है चिटकू। अच्छा, फौजी बाबू को खिलाएंगे? मैं तो समझा था कि भैंस को खिलाएंगे। मारूंगी तुझे। चम्मक चलो, हमें भी एक आधी गोभी दे दे। मैं क्यों दूं, खुद ले ले। हाय हाय, तेरी सदा का ही तो दीवाना हूँ मैं। चल अब एक प्यारी सी पप्पी दे दे। छोड़ मेरा हाथ, पिताजी से कह दूंगी। पिताजी से कह के तेरी पिटाई करवा देगी लाखन। लाल मिर्ची है, लाल मिर्ची कसम से। मेरी दीदी को छोड़ दे। बे हट कुत्ते के पिल्ले। राम जाने कुत्ते अकेली लड़की को छेड़ता है। दैया रे दैया, लोंडिया का तो यार भी आ गया। कुत्ते! आकाश ठीक तो ना? तो मैं ठीक हूँ गोरी। क्या हो रहा है सब? छोटे ठाकुर, ये परदेसी हमारे गांव की लड़कियों को छेड़ रहा था, हमने रोका तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। शिवम, ये झूठ बोल रहा है। इन दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी की है। शिवम, फौजी बाबू ने, इन्होंने तो हमें बचाया है। कमीनों, मेरे टुकड़ों पर पलते हो और मेरी होने वाली बीवी पर बुरी नजर रखते हो। छोटे ठाकुर, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था गोरी आपकी होने वाली पत्नी है। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी? मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ और इसी महीने तुम्हारे घर बारात लेकर आने वाला हूँ, और इन कुत्तों ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत की है, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। चलो। ज्यादा चोट नहीं आई? ये तो मामूली सी चोट है गुरु, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान तक दे दूँ। नहीं आकाश, ऐसी बात नहीं किया करते। पता है पिताजी क्या कहते हैं? कहते हैं कि जान लेने देने की बात करने से पाप लगता है। वो सही कहते हैं, मगर तुम कितनी भोली हो गुरी, तुम्हारे लिए तो मर मिटने को जी चाहता है। अरे आकाश बेटा, ये तुम्हारा चोट कैसे लग गई? जख्म खाना तो फौजियों की आदत होती है काका, जीने से चढ़ रहा था, पैर फिसल गया। अरे गोरी बेटा, आकाश को खाना खिलाया कि नहीं? पिताजी, इन्हें खाने की क्या जरूरत है? इन्होंने पहले तो गन्ने खाए, फिर इन्होंने तालाब से तोड़कर सिंघाड़े खाए, फिर खूब सारा गुड़ खाया, और फिर पिताजी इन्होंने लीला मस्जिद की बकरी का दूध पिया। बस बस, तू तो बातों से ही पेट भर देती है। काका, अब तो मैं एकदम ठीक हो गया, मुझे जाना है, मुझे हेडक्वार्टर रिपोर्ट करनी। हाँ बेटे, मैं तुम्हें देश का फर्ज अदा करने से नहीं रोक सकता। अच्छा बेटे, तुम्हारी एक चीज मेरे पास है, मैं ला कर देता हूँ। हाजी बाबू, आप चले जाओगे? हाँ। ये कब आओगे? शायद कभी नहीं। मेरी शादी में भी नहीं? शायद नहीं। बेटे, तुम्हारी ये पिस्तौल मैंने संभाल के रख रखी थी। अच्छा काका, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा जीते रहो,
तुम्हारी याद बहुत आया। बुला तो मैं भी नहीं पाऊंगा काका, मगर मुझे मेरा फर्ज बुला रहा है, जाना तो पड़ेगा ही। ये लो तुम्हारा जैकेट और रेडियो। ये तुम्हारे पास था? मैं समझा कहीं खो गया है। इसमें गाने बजते हैं ना, अच्छे अच्छे गाने। नहीं, ये ट्रांसमीटर है। हेलो हेलो, आकाश रिपोर्टिंग। हेलो आकाश रिपोर्टिंग, ओवर। मैं कर्नल विपिन राठी, ओवर। आकाश रिपोर्टिंग, ओवर। आकाश कहाँ हो तुम? जिंदा हो? हम समझे थे तुम हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए हो। कहाँ हो आकाश तुम? ओवर। सर मैं जिंदा हूँ, सूरजपुर गांव में हूँ। बहुत जल्द हेडक्वार्टर आ रहा हूँ, वहीं पे सारी बातें होगी। ओवर। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओवर। मेरी ये जैकेट तुम अपने पास ही रखो गोरी, अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। अच्छा अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। काका जाते जाते एक बात पूछो। हाँ पूछो बेटा। तुम्हारी बेटी गोरी जवान हो गई है, उसकी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ करना, शिवम के साथ नहीं। शिवम मुझे अच्छा लड़का नहीं लगता है। तुमसे कौन कह रहा है बेटा कि मैं गोरी बिटिया की शादी शिवम के साथ कर रहा हूँ? शिवम खुद गोरी से कह रहा था कि अगले महीने उसकी शादी गोरी के साथ होने वाली है। बकवास करता है लफंगा कहीं का, झूठ बोलता है। ऐसा कौन सा है बेटा जो उस लफंगे में नहीं है? इसका मतलब वो झूठ बोलता है? हाँ वो झूठ कहता है। मेरी बात मानो बेटा, तुम ही क्यों नहीं गोरी बिटिया शादी कर लेते? हाँ काका, मैं गोरी से शादी करूँगा, मुझे भी गोरी से प्यार है। मैं तो जाते जाते अपना प्यार इस गांव में दफन करके जा रहा था, मगर आपने मेरा प्यार मुझे वापस लौटा दिया काका। बेटा ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो, रास्ते में तुम्हारे काम आए। अरे राजू बेटा, तुम फौजी को जरा स्टेशन तक छोड़ देना। अच्छा बेटा। मैं जल्दी वापिस आऊंगा पापा। अच्छा। दिल्ली घूमाऊंगा, लाल किला इंडिया गेट, क्रीम किली दिखाऊंगा। चलो ऐसे ही चलते हैं। छोरिए कैसे मजे से उछल उछल के खेल रही है। हाय अबे अबे, तू कह रहा था दोनों के एक एक डला मार दूं। अबे दोनों का क्यों मारेगा तू? एक के मैं मारूंगा, एक के तू मारेगा। मेरी कट्टो निशाने पे लगा करती। अरे किस कमबख्त ने मारा ये डला? अच्छा तो तुम दोनों निठल्ले हो? अरे तुम पागल तो ना हो गए हो? अरे तुम और कुछ काम ना है? कभी तुम गुल्ली मारो, कभी डला मारो, के जी में तुम्हारे? अरे जी में तो बहुत कुछ है, पर क्या करूं, बस नहीं चलता। अरे
करी गुस्सा ना करा। मैंने तो तेरा जानबूझ के गला मारा था। तुम दोनों ने हमारे नाक में दम कर रखा है, अरे पीछा क्यों नहीं छोड़ते तुम हमारा? जब तक यह मीरा मेरे यार अल्टो के साथ ब्याह नहीं करेगी इतना मैं तेरा नुडल मारता रहूंगा। और जीब लो यो कमली मेरे यार पलटू की गैल में बिया नहीं करे मैं तेरा डले मारता रहूंगा। किसे शादी करी मैं जूती शक्ल देखे अपनी काना टिपटी कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। अब देखे अल्टू के बच्चे तो कुछ काम धंधा तो कुछ करता ना है, तेरे से ब्याह करके मुझे भूखी ना मरना। अच्छा मीरा अगर मैं काम धंधा करने लगूंगा तो तुम उससे सचमुच में ब्याह कर लेगी? हाँ हाँ मुद्दू कर लूंगी। सेटिंग हुई भाई सेटिंग है कट्टो सेटिंग है मेरी कट्टो मीरा तुझे क्या हुआ भाई? ये तो चक्कर लग जो मर गई दिख है। अरे भाई ये क्यों बाहर करती मीरा जी गुड बाय। तुम्हारा ना जा कमबख्त ये सब तुम्हारा वजह से हुआ है। अरे मेरी मीरा मर गई अभी तो मेरा अभी ना हुआ था इससे। मेरा यार रंडवा हो गया। आए मेरे मेरे दोस्त की वाह आए आए भाई रोना पीटना बंद करो इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। जल्दी करो यार कभी लेने के देने पड़ जाए। कहाँ हिरनी की तरह भागी जा रही हो रानी? जरा रोको तो सही। क्यों? अगर मैं भाग रही हूँ तो तुझे क्या परेशानी है? बोल क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान, और ये फूल तुम्हारे बालों में लगाना चाहता हूँ। कितना प्यारा फूल है। तो लगा दो तेरे बालों में। हाँ हाँ लगा दे, पर जल्दी लगा। छुटकू मेरी पतंग लेकर भाग जाएगा। छुटकू कसम सच्चे निशाने की। छुटकू का बच्चे रुक जा, पतंग दे मेरी छुटकू। अरे क्या हुआ गोरी बेटी? पिताजी छुटकू ने मेरी पतंग ली है। ओहो बेटी अब तेरी पतंग उड़ाने की उम्र नहीं है। क्यों पिताजी? बेटी अब तुम जवान हो गई हो, बड़ी हो गई हो। अच्छा पिताजी पता है आपको शिवम ने मेरे बालों में फूल लगाया। शिवम ने फूल लगाया और तुमने मना नहीं किया? क्यों पिताजी? बेटी मैंने तेरी शादी आकाश के साथ तय कर दी है, अब तुझको ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। आकाश के साथ? सच्ची पिताजी? तुम नदी में बहते बहते सूरजपुर गांव में पहुंच गए थे? यस सर। हाँ तो तुम्हें वो लड़की
क्या नाम है उसका? सर गोरी। हाँ तो तुम्हें गोरी पसंद आ गई? सर मैं गोरी से शादी करूंगा। देखो आकाश, मैं भी एक कर्नल हूँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझता हूँ। तुम एक फौजी हो, तुम्हें लड़की से ज्यादा अपना फर्ज प्यारा होना चाहिए। जो फौजी मोहब्बत करना नहीं जानता वो दुश्मन के सीने को भी छलनी नहीं कर सकता सर। तुम्हारा मतलब प्यार करना ज्यादा जरूरी है? प्यार के आगे भगवान भी झुक जाता है सर। वेल डन, जाओ मैं तुम्हें एक महीने की छुट्टी देता हूँ और साथ में ये ऑर्डर देता हूँ कि उस लड़की को दुल्हन बना कर ले आओ। यस सर। ओए अरे क्यों मियां, तू किस लड़ाया हमारी भाभी जान से? ओए खोते की गल है, सब सब पता है। ओ देखने में कैसी है वो? अम्मा मियां सोनाली बेंद्र से भी ज्यादा हसीन है क्या? अरे यार प्यार की आग तो इसी सीने में जल रही है, वो इतनी भोली मासूम है उसे पता ही नहीं प्यार किस चिड़िया का नाम। हमें कैद मिली चाहत में तुम्हारी, तुम्हारे दायरे में बंद दुनिया हमारी, ये नजर उठा के हम किसको देखे, हर उसमें तुम लिखो जिसे हम देखे। ओए की गल करता है तू, सानू दस 80 उठा लाओगे उन्नू ओदे गांव से? तू वापस जा रहे ना उसके गांव उससे शादी करने? हाँ काश हम भी बाराती बन के तुम्हारे साथ चलते, मगर हमारी ड्यूटी हमारा फर्ज हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। ओए सारे मिलके ना भंगड़ा पावांगे।
जब जाम पिए संग मस्ताने मिट जाए दिलों की ये दूरी बोतल को उठा के चूम ले बेटा। वाह, घी दूध पी पी कर खूब वर्जिश कर रहा है। ताकत बढ़ाने के साथ साथ कुछ अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल कर। क्यों, मैंने तुम्हारे कौन से पगड़े गिरवे रखे पिताजी? ठाकुर की औलाद होकर गांव में दादागिरी करता है तू? रसीटा बता रहा था कि तूने हरी सिंह की छोरी को बीच रास्ते में रोककर उसके बालों में फूल लगाया। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी ओछी हरकत करते हुए? अच्छा, उस घसीटा ने लगाई है चुगली मेरी तुमसे? साले का टैटवा ही दबाना पड़ेगा। अपने इकलौता होने का ज्यादा फायदा मत उठा शिवम, अपनी हैसियत का भी ख्याल कर। मैं गौरी से प्यार करता हूँ और शादी करूंगा तो उसी से। तुम कल जाके हरि सिंह से रिश्ते की बात पक्की कर रहा हूँ। अगर ना करूँ तो? कसम सच्चे निशाने की, अगर मेरी शादी उससे ना हो तो मैं खुद भी मर जाऊंगा और गौरी को भी मार दूंगा। तो हरि सिंह, मैं कह रहा था कि तुम्हारी बिटिया जवान हो गई है और मेरा बेटा शिवम भी, क्यों ना हम इन दोनों की शादी करके एक दूसरे के समधी बन जाएं, तुम भी ठाकुर और हम भी ठाकुर।
बात तो ठाकुर तुमने सही कही है, मगर ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये रिश्ता? जानते नहीं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांग कौन रहा है? इस गांव का जमींदार ठाकुर अजीत सिंह। जानता हूँ ठाकुर, पर मैं मजबूर हूँ। मैं गौरी की शादी के लिए आकाश को जुबान दे चुका हूँ। जब आकाश लौट कर आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? काका, कसम सच्चे निशाने की, गौरी की डोली तो इस घर से मैं ही लेके जाऊंगा। और बात रही उस फौजी की, अगर वो इस गांव में आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरी ये जैकेट तुम अपने पास ही रखो गौरी, अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। ओ, तेरा वजन अचानक कैसे बढ़ गया इतना? भगवान जी, मुझे फौजी बाबू की बहुत याद आती है, उन्हें भी मेरी याद आती है। आती है ना भगवान जी? फिर आप जल्दी से उन्हें मेरे पास भेज दो। अरे ओ फौजी, तेरी इस गांव में वापिस आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं फौजी। कहो तो छोटे ठाकुर, इसकी मुंडी उड़ा दूं? मुझे भी इससे हिसाब चुकाना है। देखो, मैं इस गांव में किसी से झगड़ा करने नहीं आया, मेरा रास्ता छोड़ दो। इस गांव में हमारी जिम्मेदारी है, कसम सच्चे निशाने की। हमारे हुक्म के बिना ना तो कोई यहाँ आ सकता है और ना ही जा सकता है। इस गांव के लोग जरूर तुम्हारे हुक्म के गुलाम होंगे, लेकिन मैं एक आजाद हिंदुस्तान का आजाद फौजी अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता हूं। हाँ तो तू बिगर गोली खाए मानेगा नहीं। मैंने इस राइफल से टिड्डियां मारी होंगी और मैंने न जाने कितने देश के दुश्मनों को गोली से मारा। मत है तो चला गोली, चला। नहीं भाई, नहीं, इसे मत मारो। सुमन तू आगे से हट जा। नहीं भैया, तुम इसे नहीं मार सकते। आकाश तुम चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन गौरी को साथ लेकर जाऊंगा। आज तेरी वजह से कुत्ता बचकर चला गया। कसम सच्चे निशाने की, आज उसकी इस धरती पर लाश पड़ी होती। नहीं भैया, मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ। एक ठाकुर की छोरी होते है उस दो टके के फौजी से प्यार करती है? चल चल घर। काका जी, गोरी, ए गोरी। फौजी बाबू, आप आ गए। फौजी बाबू। हाँ गोरी, मैं आ गया। फौजी बाबू, आपके जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। पता है, मुझे आपकी बहुत याद आई। आपको भी तो मेरी याद आई होगी ना? आई मुझे बाबू। पर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। नहीं नहीं, नहीं बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन लड़ाई करूँगी मुझे बाबू। अरे हाँ, मुझे पिताजी ने बताया कि आप मुझसे शादी करोगे, ये बात सच है ना फौजी बाबू? इतना प्यार करते हुए कभी मुझसे अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया, ऐसा क्यों किया फौजी बाबू, क्यों? मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ फौजी बाबू, बहुत। अब आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर कभी मत जाना, कभी नहीं जाना। नहीं जाओगे ना? नहीं गौरी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, और अगर गया
तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मेरे छूने से तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ गई हुई, तुम्हारे गालों पे लाली छा गई, जानती हो क्यों? क्यों आकाश? क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे प्यार का एहसास है। हाँ, तुम्हारे दिल में मैं तो तुम्हारे प्यार में कब का लुट चुका। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आकाश? कैसे बताता, तुम्हारे भोलेपन की वजह से डरता था कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। प्यार करने वालों से नाराज थोड़ी ना हुआ जाता है। जला दो घर चांद आ गया है, चाहत की
शम्मा जला दो, घर चांद आ गया है। सारी खुशी लुटा दो, घर चांद आ गया है। सारी खुशी लुटा दो, घर चांद आ गया। जाना मर जाएगा तेरा दीवाना, ख्वाबों में जिसे देखा था कब से, आज वो पाया मैंने रब से, हाँ मैंने रब से। मेरे गुलशन को महका दो, घर चांद आ गया है। मेरे गुलशन को महका दो, घर चांद आ गया है। सारी खुशी लुटा दो, घर चांद आ गया है। सारी खुशी लुटा दो, घर चांद आ गया है। दरवाजा खिड़की लगा दो, घर चांद आ गया है। दरवाजा खिड़की लगा दो, घर चांद आ गया है। सारी खुशी लुटा दो, घर चांद आ गया है। सारी खुशी लुटा दो, घर चांद आ गया है। सारी खुशी लुटा दो, घर चांद आ गया। पूछो। हाँ पूछो। वो जमुना मौसी कहती हैं कि परदेसी लोग बहुत बेवफा होते हैं और वो कभी भी धोखा देके भाग जाते हैं। आकाश, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे? काश मैं अपना दिल चीर कर तुम्हें दिखा सकता। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है गोरी, सिर्फ तुम्हारा। मुझे भरोसा है तुम्हारे प्यार पर, तभी तो मैंने तुम्हें अपने मन मंदिर में बसाया हुआ है। मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है गोरी, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। गोरी मैं एक फौजी हूँ, मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है। आकाश मुझसे ऐसी बातें मत करो, वरना मैं रो पड़ूंगी। कब तक रोओगी गोरी? जब तक ये आंखें हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आकाश। मेरा इंतजार कब तक करोगी गोरी? जब तक ये सांसें हैं। रहना है उम्र भर तेरी पलकों की छाव में, नई जिंदगी मिली है गोरी तेरे गांव में। कदर जवानी तू है चीज बड़ी मस्तानी, तुझको देख के ओ दीवानी, मेरे मुंह में आवे पानी, दिल मेरा ले गई हंसकर। दमा दम मारे टक्कर, छोकरे खावे चक्कर। दमा दम मारे टक्कर, छोकरे खावे चक्कर।
चिल्लावे मारे झटके अदा तेरी मुझको खटके नहरावे नागिन सेवा कोना दुपट्टे का झटके चोर 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 तू तो आ गई मेरे दिल के अंदर अल्लड़ चाल तेरी मस्तानी हो ना जाए कोई नादान कहते एक बार ओ रानी मैं हूँ तेरा दिल भर जानी हाय चोरनी बनकर रो दमा दम मारे टक्कर छोकरे खावे चक्कर दमा दम मारे टक्कर छोकरे खावे चक्कर जुल्फों की सेटिंग है हाय तेरी क्या एक्टिंग है जालिम हमें फंसाने की कहां से ले ली ट्रेनिंग है प्यारी 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 चाल में तेरी आशिक फंसे दुरंदर कर तू ते मैंने पहचानी अखियां करती है बेईमानी हम तो हो गए पानी पानी हमको कोई दे निशानी अरे कर गई जादू मंत्र छोरी मारे टक्कर छोकरे खावे चक्कर छोकरी मारे टक्कर छोकरे खावे टक्कर छोरी तेरी कदर जवानी तू है चीज बड़ी मस्तानी तुझको देख के ओ दीवानी मेरे मुंह में आवे पानी दिल मेरा ले गई हंसकर दमा दम मारे टक्कर छोकरे खावे चक्कर 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 दमा दम मारे चक्कर छोकरे खावे चक्कर कहा तुम मुझसे प्यार करने लगी हो तुम होश में तो हो मैं तुम्हारे प्यार में बेहोश हूँ आकाश तुम्हारे बिना जिंदगी मुझे बोझ सी लगने लगी है अपने दिल पर काबू रखो पागल लड़की बहुत जल्द मेरी शादी गोरी से होने वाली है तोड़ दो ये रिश्ता मैं तुम्हारी हूँ आकाश मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्यों मेरे पीछे पड़ी हो प्यार प्यार कोई खेल है क्या चली जाओ यहाँ से और कभी मेरे पीछे मत आना नहीं मैं नहीं जाऊंगी तुम नहीं जाओगी ठीक है मैं चला जाऊंगा मैंने भी अगर तुमसे अपने प्यार का इजहार ना करवाया तो मेरा नाम भी सुमन नहीं
क्या बात है कमली, बता तेरे साथ क्या हुआ, तेरा ये हाल किसने किया, तू रो क्यों रही है? ठाकुर साहब, उस फौजी ने मेरी जान लूट ली। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही ठाकुर साहब। उस फौजी की इतनी हिम्मत, गांव की बहु बेटियों की इज्जत पर हमला करने लगा। चल कमली, देखते हैं उस फौजी को। चलो भाई, तुम भी चलो।
हरि सिंह कहाँ है वो फौजी? बाहर निकालो उसे। क्या बात है ठाकुर साहब? क्या हुआ काका? अपनी करतूत इससे क्या पूछता है? मैंने क्या किया है? मैंने बहुत भोला बन रहा है भाई, कसम सच्चे निशाने की, अभी पता चल जाएगा सच क्या है। बता कमली, तेरे साथ क्या क्या हुआ है? काका काका, इस फौजी ने मेरे खेत में जल लूटी है। झूठ बोल रही है ये। काका, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अबे ओ फौजी के बच्चे, कोई भी शरीफ औरत अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाती, और तुम लोग देख क्या रहे हो? मारा साला को। हट जाओ। अगर किसी ने मेरे आकाश को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो उसके हाथ काट दूंगी मैं। नहीं बेटा, इन कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं है जो एक फौजी पर हाथ उठा सके। हरि सिंह, गांव की इज्जत का ख्याल रखते हुए मैं इसे 8 दिन का समय देता हूँ, या तो यह अपनी बेगुनाही साबित कर दे, वरना 8 दिन बाद मैं इसे गांव वालों के हवाले कर दूंगा और इसका फैसला फिर उन्हीं के हाथों में होगा। चलो बल चलो। काका, ये सब मुझ पर इल्जाम है। मैं एक फौजी हूँ, मैं इज्जत की हिफाजत करता हूँ, लूटता नहीं। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? उठिए पिताजी, उठिए पिताजी। गोरी, काका कभी नहीं होते ही नहीं, काका मर चुके हैं। गोरी, क्या तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है? सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, मुझे यकीन है आकाश, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आकाश। पिताजी, गोरी बेटी, गोरी बेटी, तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार हम कर देंगे, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। और आज से गोरी हमारी हवेली में रहेगी। इस जालिम फौजिया क्या बना, कब और क्या करना है? जबान संभाल कर बात कर कुत्ते, वरना काका की चिता के साथ न जाने कितनी चिताएं और जलेंगी। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी आकाश के पास। गौरी, जब तक ये फौजी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर देता, तब तक तुम हमारे घर पर सुरक्षित रहोगी, और बाद में हम तुम्हारी शादी फौजी के साथ कर देंगे। चलो बेटी।
आकाश, तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, ये सारी साजिश मेरे भाई की है, तुम्हें फंसाने और गौरी को पाने के लिए। तुम भी तो उसी की बहन हो, फिर ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही है? आकाश, तुमने ना सही, मैंने तो तुमसे प्यार किया है, इस प्यार के खाते मैं ये सब कुछ तुम्हें बता रही हूँ, मेरा विश्वास करो आकाश। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। आकाश, आधी रात गुजर जाने पर तुम हमारे घर के पीछे आ जाना और मैं वहाँ गौरी को लेकर आ जाऊँगी, फिर तुम दोनों इस गांव से बहुत दूर चले जाना। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। छोटे ठाकुर, धर्मा तो आप क्यों रहा है? बात ही कुछ ऐसी है छोटे ठाकुर, जो मुझे दौड़कर आपके पास आना पड़ा। तुझे पता है कि मुझे पहेलियां पसंद नहीं है, साफ साफ बता बात क्या है। छोटे ठाकुर, आपकी बहन ने उस फौजी को सारी बातें बता दी है। पकड़ा तू? मैं सच कह रहा हूँ छोटे ठाकुर, सुमन दीदी को मैंने अपनी आंखों से देखा है उस फौजी के साथ बात करते हुए। क्या बता रही थी सुमन उस फौजी को? सुमन दीदी ने उस फौजी को सारी बातें बता दी है और आज रात हवेली के पीछे बुलाया उस फौजी को, गौरी को उसके साथ भगाने के लिए। तो सुमन भी उस फौजी से मिल गई? कसम सच्चे निशाने की, अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मरेगा और किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि किसकी लाठी से मरा है। चलो गुरी, जल्दी करो। मत छुओ मुझे आकाश, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। झूठे हो तुम, झूठा है तुम्हारा प्यार, हवस के भूखे भेड़िए हो तुम आकाश। गुरी, ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो आकाश। गुरी, ये तुम कह रही हो? चले जाओ मेरे गांव से हमेशा हमेशा के लिए, ये रही तुम्हारी जैकेट आकाश, ले जाओ इसे, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं रखना चाहती, चले जाओ। लगाना यारो, दगा की हवा चली है, दगा की हवा चली है, किसी से दिल न लगाना यारो, दगा की हवा चली है, 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 दिल टूट गया है मेरा, ये चर्चा गली गली है, ये चर्चा गली गली है।
बदले आई ना आई मान नहीं नहीं यकीन करना वादों पे वादे वफा आसान नहीं यहाँ होता है सौदा दिल का ये कीमत खुली खुली है ये चर्चा गली गली है ये नादानी मत कर देना धोखेबाजों की महफिल में ये कुर्बानी मत कर देना बेवफा के हाथों मेरी मोहब्बत जली जली है ये चर्चा गली गली है दिल मेरा तेरे हाथ लुटा प्यार की किस्मत में देखा है वफा के बदले मिले दगा तूने मेरे गुलशन की मसल की कली कली है ये चर्चा गली गली है किसी से दिल न लगाना यारो चली है दगा की हवा चली है किसी से दिल न लगाना यारो दगा की हवा चली है 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 दिल टूट गया है मेरा ये चर्चा गली गली है दगा की हवा चली है ये चर्चा गली गली है दगा की हवा चली है ये चर्चा गली गली है दगा की हवा चली है ये चर्चा गली गली है दगा की हवा चली है लेने गए थे और टूटा हुआ दिल वापस लेकर आए हो वो बेवा पाने के लिए सर बेवा अब क्या करोगे उसकी याद मर मजनू बनकर घूमोगे या मर्द की तरह अपने फर्ज को अंजाम दोगे मैं कल से ड्यूटी ज्वाइन करूंगा सर वेल डन जवान मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ यार ओए छड़ ओए कुड़िया होंदी बेवफा हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो कोई मजबूरी नहीं थी उसकी बस मेरा दिल तोड़ना था तोड़ दिया हर लड़की बेवफा होती है उसने ये जैकेट मेरे मुंह पर देकर मारी और जानते हो क्या कहा खालिद उसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती चिट्ठी है यार मेरी जैकेट में चिट्ठी मैं पढ़ता हूँ इसमें लिखा है मेरी जान से प्यारे आकाश जिस समय तुम यह चिट्ठी खोलोगे तुम मेरे गांव से दूर जा चुके होगे
मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हारा दिल तोड़ा, हो सके तो अपनी गोरी को माफ कर देना। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शिवम के छिपे हुए गुंडे तुम्हें गोली मार देते। तुम्हारी और सुमन की बातें धर्मा ने सुन ली थी और शिवम को बता दी थी। तुम ही बताओ, मैं अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देखती। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूँगी, तुम्हारी गोरी। ये मैंने क्या किया? मैं गोरी को किसके सहारे छोड़ाया? न जाने वो हराम ज्यादा शिवम गोरी पर क्या जुल्म ढा रहा होगा। इसका मतलब वो वाकई मजबूर थी। मुझे उसके पास जाना है खालिद। हम भी तेरे साथ चलेंगे दोस्त। ओए तुसी चिंता ना करो, असी उस शिवम के फट्टे चक दांगे। हम फौजी हैं, वतन पर जान तलक लुटा देते हैं, मोहब्बत के दुश्मनों को हम दुनिया से उठा देते हैं। चार फौजी। अरे भैया ये तो गुस्से में है। अब तो शिवम का सच्चा निशाना चूक गया। भैया अब शिवम क्या करेगा? अब जो भी होगा ये फौजी करेंगे, शिवम कुछ नहीं कर सकता, शिवम तो गया। आकाश भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे इल्जाम लगाकर बहुत बड़ा अन्याय करा है। आकाश भैया मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। कमली तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है। मुझसे ये इल्जाम शिवम ने लगवाया था। मुझे मालूम है कमली, अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आकाश भैया तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है दीदी रो रो के पागल हो गई है। छुटकू गोरी कहाँ है? दीदी हवेली में बंद है भैया। छुटकू शिवम इस समय कहाँ है? भैया इस समय वो अखाड़े में कुश्ती लड़ रहा है। शिवम हराम जाते कुत्ते। Let's go!
मुझे तेरी मौत ललका रही है। तो फिर वापस आ गया। कसम सच्चे निशाने की, किसी ने सच ही कहा है रे कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो गांव की तरफ भागता है। तुझे भी तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है रे फौजी। छोटे ठाकुर कहो तो इस लोंडे की गर्दन मरोड़ दूँ, बहुत फड़फड़ा रहा है साला। ठहरो, ये मेरा शिकार है मेरा, इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, आज इसे मारकर यही दफना दूंगा। भागने वाला कुत्ता शेर का शिकार नहीं किया करता। आज मैं तुझे वो मौत दूंगा कि चल्लोगे तुझे कांप उठेंगे। तूने गोरी को बहुत सताया है। बता, कहाँ है गोरी? तू मुझे गोली नहीं मार सकता फौजी। अगर तूने मुझे गोली मारी तो तुझे तेरी चम्मक चलो जिंदा नहीं मिलेगी। रुक जाओ आकाश, तुम्हारी गोरी यहाँ है। पिताजी, तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, तुमने अपने बेटे के साथ गद्दारी कर दी। ज्यादा चिल्ला मत पापी, तू मेरा खून नहीं मेरे माथे का कलंक है। तूने सारे गांव के सामने मेरी नाक कटवा दी, अच्छा होता तू पैदा होते ही मर जाता। भगवान से डर शिवम, भगवान से डर। कुछ शर्म कर शिवम, कुछ शर्म कर, वरना वरना तेरे बुरे कर्म तेरी मौत बनेंगे शिवम, तेरी मौत बनेंगे। हम तो प्यार करने वालों के बीच में अड़चन मत बन। छोरी, ज्यादा भाषण मत दे, मैं ठाकुर हूँ ठाकुर, जिसे एक बार पाने की ठान लेता हूँ उसे पाकर ही चैन लेता हूँ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, आज तेरे पापों का घड़ा फूट कर रहेगा। नहीं आकाश, मेरे भाई को मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से गोरी को लेके कहीं दूर चले जाओ। बेटी, ये तुमने क्या किया? पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे खुशी है कि मैंने एक सच्चे प्रेमी की जान बचाकर अपनी जान दी।
सुमन, तुमने अपनी जान देकर मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे? आकाश, प्यार कुर्बानी मांगता है और मैंने ये कुर्बानी दे दी। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मैं तुम्हारी प्रेमिका बनकर जरूर आऊंगी। गौरी तुमसे बहुत प्यार करती है आकाश, इसके साथ कभी मत छोड़ना। सुमन। आकाश, लम्हा लम्हा तरसे जिस लम्हे के लिए, वो लम्हा आया भी तो एक लम्हे के लिए। बेटी, तुम कभी नहीं मर सकती सुमन, मेरे सीने में हमेशा मेरी याद बनकर जिंदा रहोगी। बेटा आकाश, जो कुछ होना था हो गया, भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है। गौरी का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आकाश भैया, आपकी जैकेट। घर चांद आ गया है, सारे दिए बुझा दो, घर चांद आ गया है, सारे दिए बुझा दो, घर चांद आ गया है, दरवाजा खिड़की लगा दो, घर चांद आ गया है, दरवाजा खिड़की लगा दो, घर चांद आ गया है, सारे दिए बुझा दो, घर चांद आ गया है, सारे दिए बुझा दो, घर चांद आ